साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। खनन मंत्री पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने गायत्री प्रजापति व उनके परिवार की 4.5 करोड़ की संपत्तियों को कब्जे में लिया। कानपुर में मेडिकल कॉलेज में रैगिंग। एमबीबीएस के फ्रेशर्स सिर झुकाकर लाइन में निकले, नमस्ते डॉक्टर साहब कहते हुए हॉस्टल गए। लिपस्टिक लगी फोटो बनी रोलिन की हत्या की वजह। विकास बोला वो फोटो देख मैं अपना आपा खो बैठता। व्हाट्सएप चैट रिकवर करने में लग गए 30 दिन। नोएडा में बढ़ेगी महिलाओं की सुरक्षा। 400 जगहों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। स्कूल, मॉल व मेट्रो स्टेशन के आसपास निगरानी। मेरठ में बन रहा है भारत रत्न लता मंगेशकर बाल पुस्तकालय। प्राथमिक विद्यालय में लता जी के शिष्य और राज्य पुरस्कार प्राप्त। शिक्षिका की पहल। टोरेंट पावर की लापरवाही से घर में लगी आग। आगरा में कई घरों में टीवी, फ्रिज, एसी फूके, केस दर्ज। मुरादाबाद में पति ने गला दबाकर पत्नी को मार डाला। रस्सी से गला घोटकर फिर बोरे में भरकर फेंकी लाश। बोला रोज लड़ाई करती थी। अयोध्या में मलेरिया के मरीज घटे पर डेंगू के बड़े। 17 दिन में 667 डेंगू मरीज मिले। हाथरस में सगाई के दौरान हर्ष फायरिंग। बंदूक का नाल फटने से 7 लोग घायल। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर। अमरोहा में बच्ची की हत्या के आरोपी को उम्र कैद। कोर्ट ने 30,000 का जुर्माना भी लगाया। 4 साल पहले हुई थी वारदात। हापुड़ में निकाय चुनाव का विरोध। हापुड़ में जारी है आरक्षण का विरोध। अब तक 100 से अधिक लग चुकी है आपत्तियां। फेसबुक देखकर बना फर्जी फूड इंस्पेक्टर। चाट की दुकान पर निरीक्षण करने पहुंचा तो धरा गया। फर्जी एफएसओ फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है। लिवाना होटल को निगरानी करवाने गिराने की कार्रवाई टल सकती है। होटल प्रबंधन ने एलडीओ को पत्र में कहा। उन्नाव में पुलिस ने 50 बोरी नकली डीएपी खाद पकड़ी। अवैध तरीके से सप्लाई होनी जा रही थी। लखनऊ रोड से एक युवक भी हिरासत में। लखनऊ में स्टंटबाजी करने वाले 3 युवक गिरफ्तार। रंगदारी न मिलने पर हिस्ट्री शीटर अकील के गुर्गे ने की थी फायरिंग। रुपए के लेन देन को लेकर हुई थी महिला की हत्या। साथी 2 महिला व 1 युवक गिरफ्तार। 10 दिन पहले गला दबाकर मारा था। हापुड़ में स्टील फैक्ट्री पर आयकर का छापा। करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी की आशंका। 2 दिन पहले भी की थी कार्रवाई। मऊ में स्वास्थ्य विभाग ने 4 कमरों का तोड़वाया ताला। 4 माह बाद मिला चीफ फार्मासिस्ट को दवाइयों का चार्ज। गाजियाबाद में मेरठ के युवक की हत्या। गला दबाकर मारने के बाद गगनर मार्ग पर जलाया शव। कासगंज में जीएसटी की 5 टीमों ने की छापेमारी। व्यापारी दुकान बंद कर भागे। असिस्टेंट कमिश्नर बोल रहे सहयोग करें।
मोर को बंधक बनाने वाला सट्टा किंग गिरफ्तार। मेरठ में सट्टेबाज के घर दबिश देने गई थी पुलिस को मिला राष्ट्रीय पक्षी मोर। बिगरू कांड का एक और आरोपी अरेस्ट। गिरफ्तार शातिर मोहन ने एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे को कटवाई थी फरारी। हरदोई में पूर्व विधायक समेत सात गैंगरेप के दोषी। अदालत ने 7 साल सश्रम कारावास की सुनाई सजा। 16 साल बाद आया फैसला। पदयात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंच रही सपा। सपा के लोग पूरे प्रदेश में निकाले देश बचाओ देश बनाओ पदयात्रा। सुल्तानपुर में हिस्ट्री शीटर से परेशान छात्र पहुंचा डीएम के पास, बोला 20 मुकदमों में वंचित अपराधी, करियर चौपट करने की दे रहा धमकी। मैनपुरी में डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत दर्ज। जसवंत नगर में सबसे ज्यादा वोट मिले। झांसी में 13 स्थानों पर बनेंगे स्मार्ट पार्किंग। ऐप से पता चलेगा पार्किंग में जगह खाली है नहीं। नई बेंगलोर की कंपनी से हुआ करार। अमेठी तेज रफ्तार दो मोटरसाइकिल की टक्कर। टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 3 लोग हुए घायल। लखनऊ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 1000 का इनामी एस खान को किया गिरफ्तार। बीते साल गोमती नगर में डकैती की घटना में था शामिल। अलीगढ़ में पति की हर बात में ओके ओके से परेशान थी वीवी। डांस कर बोली मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। फतेहपुर में पुलिस के सामने दबंग दे रहा बद्दी बद्दी गालियां। पीड़ित युवक ने जान माल की सुरक्षा के पुलिस अधीक्षक से लगाई गुहार। हरदोई में दिया गिरने से घर में लगी भीषण आग। आग लगने से सामान जलकर हुआ राख। कुशीनगर में कस्या पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। हरदोई में मक्खियों के चलते कई गांव में टूट रहा रिश्ता। 14 दिन से धरने पर डटे ग्रामीण समाधान की कर रहे मांग। रायबरेली में 2 दिन से 2 मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। कोतवाली थाना क्षेत्र का है वीडियो। हरदोई में एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व बसपा विधायक को सुनाई 7 साल की सजा। बच्चों को बंधक बनाकर महिला के साथ किया था सामूहिक दुष्कर्म। रायबरेली में पुलिस ने वार्ड बॉय व फार्मासिस्ट से मारपीट करने वाली को भेजा जेल। 10 दिन पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ था मारपीट। लखनऊ में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेल्फ स्टडी रिपोर्ट की प्रस्तुतिकरण की समीक्षा। सुधार के लिए राज्यपाल ने दिए सुझाव। रायबरेली में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। पुलिस की मिली भगत से दिन हो या रात 1 सप्ताह से लगातार हो रहा है अवैध खनन। लखनऊ में निकाय चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में दिखी खामियां। मतदाताओं को हो रही है परेशानियां। रायबरेली में सिपाही ने किसान को जमकर पीटा। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने घेरा चेक पोस्ट। संभल में नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। संबंधित को निर्वाचन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
गोंडा में 10 लाख रंगदारी मांगने वाला गैंगस्टर अरेस्ट, गैंगस्टर नंद किशोर पर 20 से अधिक मुकदमे दर्ज। कानपुर में फिर दिखा तेंदुआ का दहशत, सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद तेंदुआ, पिछले 40 दिनों से नहीं पकड़ा पा रहे वन विभाग की टीम। मां ने बेटी को पहचाना, डीएनए रिपोर्ट का इंतजार, 7 साल पहले गायब थी, कोर्ट के आदेश के बाद माता पिता के लिए सैंपल। बहराइच में नगर निकाय चुनाव के लिए जिला प्रशासन अलर्ट, डीएम ने निर्वाचन एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों और नामांकन स्थल का किया निर्धारण। ट्रेनरी कांड में मालिक और ठेकेदार अरेस्ट, लापरवाही से 2 मजदूरों की ट्रेनरी में हुई थी मौत, घटना के बाद दोनों फरार चल रहे थे। मीट फैक्ट्री में गैस लीकेज से 2 की मौत, रामपुर में लूलू ग्रुप की फैक्ट्री में हादसा, 2 मजदूरों की हालत गंभीर, मुरादाबाद में भर्ती। संत कबीर नगर के बगिया वार्ड में विकास कार्य नहीं, नालियां बजबजा रही, सड़कें टूटी, हर जगह का गंदगी। मेरठ में होटल कारोबारी के घर आईटी छापा, ब्रॉडवे होटल मालिक स्क्रैप कारोबारी के घर रात से सर्चिंग। किसानों ने गोवंश को खाली प्लॉट में किया बंद, उन्नाव में गेहूं की फसल बर्बाद होने से थे परेशान, 2 दिन से भूख प्यास से मवेशी बेहाल हो गए। पानी की जगह भूल से पिया एसिड, एक घूंट पीकर हुआ बेहोश, मथुरा अस्पताल से आगरा के लिए रेफर किया गया। जौनपुर के सांसद ने खाद किल्लत की आवाज उठाई, सदन में बोले डीएपी की कालाबाजारी रोकने में सरकार फेल। शिवपाल ने प्रसपा का सपा में विलय किया, मैनपुरी में बड़ी बढ़त के बाद अखिलेश ने चाचा के बैच में फिर सपा का झंडा सौंपा। शाहजहांपुर में जयपुर पुलिस ने बरामद की शूटरों की कार, कार में मृत मेंढी के शूटर सवार थे, गैंगवार में हत्या के बाद फरार हुए थे। बागपत में 3 छात्र चोर गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान पुलिस ने दबोचा 50 किलोग्राम के लोहे की सरिया सहित अन्य सामान बरामद। ससुराल वालों की सेवा करके चौथे दिन भागी दुल्हन, बिहार से शादी करके लाया था कुशीनगर का युवक, गहने और नकदी ले गई। बलरामपुर में चुनाव की तैयारी में जुटे प्रत्याशी, मतदाता के घर दस्तक दे रहे हैं उम्मीदवार, 2 पालिका और 3 नगर पंचायत में है चुनाव। जेएनयू की घटना से पीलीभीत के ब्राह्मणों में रोष, सिटी मजिस्ट्रेट के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, कहा ब्राह्मणों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। बेटी के जन्म के बाद 2 माह बाद पिता की मौत, झांसी में एक्सीडेंट में 2 वाहनों के बीच में दबा, घर में इकलौता कमाने वाला था। हाथरस में लंगूर के आतंक से लोगों में दहशत, 30 से ज्यादा लोग घायल, घरों में कैद रहने को मजबूर ग्रामीण। बलिया में वाहन की टक्कर से बैंक कर्मी की मौत, ड्यूटी के बाद बाइक से लौट रहा था घर, बबनौली के ब्रह्म स्थान के पास हुआ हादसा। रेलवे अधिकारी सीबीआई के रडार पर, एनकाउंट के डिपार्टमेंट के अधिकारियों से शुरू हुई पूछताछ, तो बड़े अधिकारियों की स्थिति हुई खराब। बिजनौर में जीएसटी की टीम सक्रिय, कई जगहों पर की छापेमारी, दुकान बंद कर भागते नजर आए व्यापारी।
बुलंदशहर में निकाली गई शौर्य यात्रा, लोगों ने पुष्प वर्षा किया। स्वागत गीता जयंती पर निकाली जा रही है यात्रा। निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन, आजमगढ़ में डीआईजी ने थानों का निरीक्षण किया, समस्याओं को निपटाने के लिए निर्देश दिए। भतीजी को फंसाने के लिए चाचा ने रची साजिश, भाई की कुर्की के लिए कर रहा था पैरवी, खुद के तमंचे संग पकड़वा कर फंसा। विमुक्त जातियों के जाति प्रमाण पत्र न बनने पर आक्रोश, फिरोजाबाद में लोगों ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी। वाराणसी में मंत्री ने लोगों को पिलवाई चाय, जलवाया अलाव, आश्रय स्थल की अवस्था पर निगम को अफसरों को लगाई फटकार। आगरा में बदमाशों ने बाइक लूटी, आते ही बाइक सवार के थप्पड़ मारे और धक्का मुक्की की, पुलिस कर रही है जांच। महाराजगंज के सरकारी स्कूल में बार बालाओं का डांस, बीएसई ने प्रधानाध्यापक को जारी किया कारण बताओ नोटिस, स्कूल परिसर रुकी थी बारात। कुशीनगर में नहरों की सफाई में राजस्व को चूना जिम्मेदारों की मिली भगत से सिल्ट नीच उपयोग, एडीएम ने कार्रवाई के दिए निर्देश। फर्रुखाबाद में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत, बहन के घर शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था, पीछे बैठा दोस्त घायल। शाहजहांपुर में दो शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, दिल्ली से लग्जरी कारें चुरा कर जा रहे थे, झारखंड गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटे पुलिस। सोनभद्र में सखिया तैयार करे फाइबर की बनी टंकियां, 35 साल तक मिलेगी गारंटी, पूरी तरह से अग्निरोधी रहेगी टंकी। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।